आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष कुमार पांडे, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये होता है बेसिकली, ये होता है तीन टाइप का, एक दो तीन, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर कहेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर क्या कहेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इनर्सिया। फर्स्ट लॉ को क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इनर्सिया। देखिए जो फर्स्ट लॉ होगा वही लॉ ऑफ इनर्सिया होगा, यानी लॉ ऑफ इनर्सिया को ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे, क्योंकि पहले लॉ ऑफ इनर्सिया आया था उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसलिए हम लॉ ऑफ इनर्सिया को ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ यह ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूव करते करते यहाँ आ गई, या कर रही कंटिन्यूस ऐसे करती रही है, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है जो रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, यानी ये विराम अवस्था में रुकी हुई है और ये गतिमान है, चल रही है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव करते करते यहाँ ऐसे चल रही है कंटिन्यूस, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट है, ऐसे रुकी हुई है। और देखिए क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट चल रही है, ये ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, तब तक ये रुकेगी नहीं, कंटिन्यूस चलती रहेगी। और ये ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स लगाया ना जाए, है ना। अगर इस पर हम फोर्स लगा दें तो ये अपने पोजीशन चेंज कर देगी, यहाँ आ जाएगी, और इस पर अगर हम फोर्स लगा दें तो ये रेस्ट में हो जाएगी। इसका साफ मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव ही करेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स लगाकर उसकी जो उसका जो पोजीशन है वो चेंज ना किया जाए। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो मूव ही करेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके पोजीशन चेंज ना किया जाए। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर देखिए हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैं आपको बता देता हूँ, होता है एफ इक्वल टू एम डॉट ए। ये हमारा होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफ का मतलब फोर्स होता है, एम का मतलब मास होता है, ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए क्या होता है, इसका डिफिनेशन बहुत छोटा सा है, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यानी हिंदी में से हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हिंदी में कहेंगे वेग परिवर्तन के दर को हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है पी इक्वल टू एम डॉट बी। अब देखिए क्या होता है, रियल लॉ ऑफ, जो रियल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो होता है एफ इक्वल टू डी पी अपान डी टी। पी हमारा वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर आप आगे पढ़ेंगे, एफ इक्वल टू डी पी अपान डी टी। अब देखिए आपको पी यहाँ है, पी का मतलब मोमेंटम, और पी की वैल्यू यहाँ दी गई है एफ इक्वल टू एम डॉट बी, और ये हमारा जो हो जाएगा डी डी टी। ठीक, अभी हम आगे जाइए, एफ इक्वल टू एम डी बी अपान डी टी। ठीक, अब ये क्या होता है, ये हमारा होता है एक्सीलरेशन, त्वरण। तो एफ इक्वल टू ये हमारे एम यहाँ आ गया और ए ये हो गया, देखिए यही आ गया जो आप यहाँ देखे हैं वो ये आ गया। ये हमारा होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए एक आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बहुत आसान है, इसको हम साफ साफ कहेंगे एक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इस ऑब्जेक्ट पर हम जितना फोर्स लगाएंगे ये ऑब्जेक्ट उतना फोर्स हम पर लगाएगी, है ना, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम जितना फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट हम पर भी उतना फोर्स लगाएगी, यानी एक्शन टू रिएक्शन। अगर हम दीवार को, ये दीवार हमारा, अगर दीवार को हम एक मुक्का मारें तो जितना तेज़ हम दीवार को मारेंगे उतना तेज दीवार हमको भी मारेगी,
इसका मतलब आपको जो दर्द का आभास होता है वो इसी के कारण होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट हम पर उतना फोर्स लगाती है। यानी कि एक्शन टू रिएक्शन। साफ देखिए इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, यहाँ दो आदमी खड़े हैं ऐसे और यहाँ दो आदमी खड़े हैं ऐसे, यहाँ दो आदमी हैं। अब देखिए ये आदमी इस रस्सी को खींच रहा है, ये आदमी इसको खींच रहा है, यानी जितना फोर्स ये दोनों खींच रहे हैं उतने फोर्स ये दोनों खींच रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट मूव ऐसे सेम पोजीशन में खड़ी हुई है, यानी इस यानी कि साफ मतलब होता है कि जितना फोर्स हम इस पर लगाएंगे और जितना फोर्स ये इस पर लगाएंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट भी उतना फोर्स इन दोनों पर लगा रही है। ठीक है, थैंक यू।